दोस्तों स्वागत है आपका लाइव विद इन टॉक शो में। आज हम फिर एक बार आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ, नई चीज, नई एक टेक्निक के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो दोस्तों जैसे ही आपको मालूम है कि आप अपने घर का ऑडिट करते हैं, मयंक सर आपका बहुत बहुत स्वागत है विद इन टॉक शो में। सर नमस्ते लक्ष्मण, आई एम प्रिविलेज। हमारे साथ मयंक सर लाइव विद इन टॉक शो में हमारे साथ जुड़े। मयंक सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मयंक सर आर्किटेक्ट हैं, एनर्जी आर्किटेक्ट हैं, फाउंडर हैं होम हेल्थ ऑडिटर के, बिल्डिंग बायोलॉजिस्ट हैं, फाउंडर डायरेक्टर वासु वर्ल्ड के हैं, और पूरे इंडिया में मयंक सर का एक बहुत बड़ा नाम है और बहुत सेलिब्रिटी अपने वासु वर्ल्ड के। हमारे मयंक सर की जो सर्विसेज हैं वो पूरे अराउंड द वर्ल्ड सर्विसेज देते हैं मयंक सर। तो मयंक सर जो आज का टॉपिक हमने रखा है आपने उस चीज को इंट्रोड्यूस किया, और थैंक यू सो मच कि आप हमारे शो में जुड़े और इस जो आपकी होम हेल्थ ऑडिट का जो नई टेक्निक है और नई थेरेपी है, आप थेरेपी बोलें या जो भी आप इसको नाम देना चाहें, इसमें क्या चीज है इसके बारे में आप हम जरूर जानना चाहेंगे और दर्शकों को भी बताना चाहेंगे। मयंक सर नमस्ते, थैंक यू लक्ष्मण वंस अगेन, नमस्ते टू ऑल व्यूअर्स। देखिए मैं आर्किटेक्ट हूँ, मैंने बिल्डिंग बायोलॉजी पढ़ा जर्मनी और फ्रांस से। लास्ट 25 सालों में मैंने प्रैक्टिस और आर्किटेक्चर प्रैक्टिस को एक नई डेफिनेशन में मैंने इंडिया में लेके आया हूँ, जिसको मैं बिल्डिंग बायोलॉजी प्रैक्टिस बोलता हूँ, और उसको मैंने वास्तु शिल्प शास्त्र के साथ जोड़ा। मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम वास्तु वर्ल्ड है। वास्तु वर्ल्ड में हम साइंस और ह्यूमन एनर्जेटिक्स के साथ स्पेस की जो एनर्जेटिक कंपैटिबिलिटी है उसको बैलेंस करते हैं। तो कुछ लास्ट दो सालों में, सिंस लास्ट टू इयर्स, आई हैव बीन ट्राइंग टू कनेक्ट माई सेल्फ विद द ह्यूमन एनर्जेटिक्स विच इज रिलेटेड टू हेल्थ। क्योंकि आर्किटेक्ट होने के कारण ह्यूमन एनाटॉमी की स्टडी मेरी कम थी, फिर मैंने फ्रांस में पेरिस में जाके बायो एनर्जेटिक्स पढ़ा। जब बायो एनर्जेटिक्स पढ़ा तो मुझे ये मालूम पड़ा कि शरीर के अंदर की जो वाइब्रेशन है उसका एनवायरनमेंट से आपके वास्तु में कितना इम्पैक्ट होता है, और उस इम्पैक्ट को हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं एनवायरनमेंट के थ्रू। तो वास्तु और स्पेस इज अ मीडियम टू करेक्ट द ह्यूमन एनर्जेटिक्स, एंड बीइंग एन आर्किटेक्ट मैंने एनवायरनमेंट पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया, बट ये कोशिश करी कि शरीर की एनाटॉमी के बारे में मालूम पड़े कि शरीर की छोटी छोटी बीमारियां, छोटे छोटे इश्यूज और जो बड़े बन जाते हैं वो किस तरह से वास्तु और स्पेस आपको तकलीफ देता है और उसको कैसे हार्मोनाइज करना चाहिए। पेंडेमिक कोविड सिचुएशन हमें आई, उसके कुछ महीनों पहले ही हमने तैयारी की थी कि हेल्थ पे हम थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन करें, क्योंकि लोग बीमार पड़ रहे हैं घरों के अंदर। घर एक वाइब्रेशन देता है और वो वाइब्रेशन सच भी कर लेता है, आपकी एनर्जेटिक्स को डिसअलाइन कर देता है, आपके चक्रास को इम्बेलेंस कर देता है। तो घरों की हर कॉर्नर, हर लेयर पे हमने स्टडी किया और ये पाया कि घर की अंदर जो वाइब्रेशंस हैं, जो रेडिएशंस हैं, जो कंपन है, वो हमारे शरीर की कंपन के साथ रेजोनेट हो जाती है, और ये जब रेजोनेट होती है तो ये आइदर पॉजिटिवली आपको अच्छा बनाएगी, आपको वेलबींग और वेलनेस देगी, या फिर आपको डिडक्ट करेगी आपकी वाइब्रेशंस को और आपको डिप्रेशन और डाउनफॉल में लेके जाएगी। तो इस स्टडी को जब हमने आगे बढ़ाया तो मैंने सोचा कि एक सिस्टम जरूर होना चाहिए जो आर्किटेक्ट और डॉक्टर्स दोनों मिलके अलग अलग लेवल पे काम कर रहे हैं, क्या हम उन दोनों को मिला दें। मैंने हेल्थ होम ऑडिट और होम हेल्थ ऑडिट को डिफाइन करने की कोशिश की, और ये देखा कि डॉक्टर्स जो घर के अंदर ऑब्जर्वेशन और जो एनालिसिस और इवोल्यूशन करते हैं, क्या वो आर्किटेक्ट भी पहले से जान ले, क्योंकि घर के अंदर फंगस है, बैक्टीरिया है, मोल्ड्स हैं, ये तो फिजिकल लेवल पे हैं, बट एनर्जेटिक लेवल पे वाइब्रेशंस हैं जो आपकी इनटेंजिबल वाइब्रेशन है, जो आप सुनते हैं, देखते हैं, स्मेल करते हैं, और वो आपके चक्रास को डिसलाइन करती है एनर्जेटिकली। तो क्या हम इस सिस्टम पे स्टडी कर सकें और क्या हम ऐसा एक सॉल्यूशन बनाएं, एक ऑडिट बनाएं, जिससे हमारे वास्तु कंसल्टेंट, हमारे आर्किटेक्ट्स, हमारे जितने भी लोग घरों से बिल्डर जो कॉन्ट्रैक्टर जो जुड़े हुए हैं, क्या ये घर पे जाके हेल्थ रिलेटेड कंसंट्रेशन भी कर पाएं और ये चेक कर पाएं कि ये जो घर बना रहे हैं, जो आर्किटेक्ट घर डिजाइन कर रहा है, क्या ये हेल्थ पे पॉजिटिव इफेक्ट करेगा या नेगेटिव इफेक्ट करेगा। तो इसके लिए हमने एक ऑडिट सिस्टम बनाया। ऑडिट सिस्टम पे लास्ट में 5 साल से काम कर रहा था। कोविड और कोरोना वायरस के लॉकडाउन के टाइम मैंने सोचा कि क्यों नहीं हम इसको हमारे
स्टूडेंट्स, हमारे कम्युनिटी, हमारे पास कम से कम 200 एक्टिव कम्युनिटी मेंबर्स हैं और 2000 वास्तु बल से लोग जुड़े हुए हैं, क्यों ना हम इनके इनको इंट्रोड्यूस करें। और ये एक सक्सेसफुली हम लोगों ने इसकी दो वर्कशॉप की, दो वेबिनार्स किए, और उस वेबिनार्स में, उस वेबिनार के सिस्टम में हमने होम हेल्थ ऑडिट लॉन्च किया, और होम हेल्थ ऑडिट में स्पेसिफिक क्राइटेरियाज को अंडरस्टैंड किया, जैसे कि प्लेनेट की इंफॉर्मेशन, जिसको हम कॉस्मिक एनर्जीज कहते हैं, उसका क्या इफेक्ट होता है शरीर पे और किस तरह से आप बीमार पड़ते हैं, एनवायरमेंटल एग्रेशन, प्लांट्स, एनिमल्स, एंटिटीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मोबाइल टावर, मोबाइल्स, डिफरेंट वाईफाई गैजेटरीज, इलेक्ट्रॉनिक गैजेटरीज और ऑटोमेशन, ये किस तरह से शरीर को असर करता है, और तीसरा जियो बायोलॉजी और जियोपैथी, जमीन के अंदर की वाइब्रेशन, कब्रिस्तान के पास हम रह रहे हैं, हम हमारे घर के आसपास कूड़ा कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जमीन के अंदर से भी असर कर रही है, और इन सब चीजों का हमने कॉमन प्लेटफॉर्म पे आके एक सिंपल लैंग्वेज में एक ऑडिट प्रिंसिपल्स बनाए और वो हम लोगों ने लॉन्च किया। जी, तो आर्किटेक्ट भी हैं और आपका सारा वसु के भी बहुत एक्सपर्ट हैं, आपका पूरा आपने बहुत बड़ा लंबा एक्सपीरियंस आपका रहा है, तो उन सबको कॉम्बिनेशन करके अपना होम ऑडिट का वो किया है, तो डेफिनेटली आई एम श्योर कि ये बहुत इफेक्टिव होगा, लोग इसको फॉलो करेंगे और अपने हैप्पी हेल्दी एंड पीसफुल एनवायरनमेंट को करने के लिए जरूर अपने हेल्थ एंड होम ऑडिट। आज हमारे शो में आपके डॉक्टर सुरेंद्र कपूर जी और तिशा कपूर जी भी इस शो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम आगे लंबी चर्चा करेंगे, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। कोई मैसेज आप देना चाहेंगे सर हमारी ऑडियंस को? आपने कहा सुरेंद्र कपूर जी, सुरेंद्र कपूर जी हमारे ऑर्गेनाइजेशन से और मुझसे कम से कम 15 साल से जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र कपूर जी हमेशा सुरेंद्र कपूर जी हमेशा लर्निंग ओपन में रहते हैं, और वो एस्ट्रोलॉजर हैं और वास्तु कंसल्टेंट हैं, और आई एम वेरी प्राउड एंड मेरी ब्लेसिंग उनके पास हैं कि उन्होंने ये होम हेल्थ ऑडिट की सब वेबिनार अटेंड की। ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु गॉट द असेसमेंट सर्टिफिकेट आल्सो एंड ही गॉट अ A+ ग्रेडिंग इन होम हेल्थ ऑडिटर। सो आई एम वेरी प्राउड टू प्रेजेंट टू यू ऑल ऑफ यू सुरेंद्र कपूर जी एज अ वास्तु वर्ल्ड सर्टिफाइड होम हेल्थ ऑडिटर, एंड आई एम श्योर जितना सुरेंद्र कपूर जी को नॉलेज है एस्ट्रोलॉजिकल बेस्ड, वास्तुलॉजिकल बेस्ड और नाउ बिल्डिंग बायोलॉजी और जियोपैथी बेस्ड, इन सब चीजों को वो आपके लिए और आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे, और एज एन ऑडिटर ही विल डू जस्टिफिकेशन इन मेकिंग एवरीबडीज हाउस हेल्दी, हैप्पी एंड हारमोनियस। उनके साथ उनकी डॉटर है त्रिशा, उन्होंने भी ये हमारा होम हेल्थ ऑडिट कोर्स किया, और शी वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ द टीम एंड शी हैज ऑल्सो लर्न इट वेल, बट शी हैज अ लिटिल एक्सपीरियंस। आई एम श्योर विद कपूर साहब शी विल ग्रो टॉलर बिकॉज शी इज एन इंटीरियर डिजाइनर एंड आर्किटेक्ट, शी हैज एन अपर हैंड इन अंडरस्टैंडिंग द वाइब्रेशन ऑफ द स्पेसेस, एंड आई विल लाइक टू ब्लेस त्रिशा ऑल्सो एंड गिव माई रिगार्ड्स टू हर दैट शी शुड ऑल्सो स्टार्ट actively working with her father, and dono ki team mujhe lagta hai, aur ye Lakshman ne, I am very thankful to Lakshman and her and his system on life jo inhone ek ye system banaya hai, ye life within andar se dekhne ki shakti jo aap logo mein hai ye bahut important hai, aur namaste and with best wishes I log off, thank you very much। थैंक यू सो मच मयंक सर। ये थे मयंक सर, मयंक बजरातिया जी, जो कि बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं और काफ़ी इनके देश विदेश में इनके फॉलोअर्स हैं, फैंस हैं, और इन्होंने हज़ारों अपने स्टूडेंट्स को इसमें ट्रेंड किया है अपने वासु वर्ल्ड के उस पर, और नई टेक्निक्स के साथ हमेशा आते हैं, नए इनोवेटिव आइडियाज़ ये लेकर आते हैं जिससे कि सभी को हेल्थ, पीस, वेल्थ और सभी चीज़ का टेक केयर करें। तो मयंक सर, आपको, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, लाइव विद इन के शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच मयंक सर, नमस्कार सर। नमस्ते, नमस्ते लक्ष्मण, थैंक यू सर। तो
दोस्तों ये देखा हमारे साथ हमारे मयंक बरजातिया जी हमारे बीच में थे और उन्होंने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया और एक नई टेक्निक को वो लेकर आए और नया ट्रेंड उन्होंने स्टार्ट किया है इंडिया में। वी प्राउड कि इंडिया हमेशा इनोवेटिव आइडियाज के साथ आते हैं और हमेशा नई चीजें वो लेकर आते हैं और उन्हीं के ही शिष्य अपना डॉक्टर सुरेंद्र कपूर जी एंड त्रिशा कपूर जी हमारे साथ इस शो में जुड़ रही हैं। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कपूर जी को शो में इनवाइट करना चाहता हूं और उनसे जानेंगे, उनसे बहुत सारे सवाल आज हम दागने वाले हैं। सर, आप मयंक सर के बहुत अच्छे बेस्ट स्टूडेंटों में से हैं, बहुत अच्छा आपने वो किया है, मयंक सर ने भी बहुत तारीफ की है, तो हम आपके ऊपर जो है प्रश्नों की बौछार करने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जो क्वेश्चंस हैं वो सभी सोशल कॉज को देखते हुए और इनके होम हेल्थ जो ऑडिटर का जो एक कॉन्सेप्ट जो लेकर आए हैं मयंक सर और आप उनके बहुत अच्छे जो तरह से फॉलो कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं उन चीजों को, तो डेफिनेटली वो हमारी सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा, मेरा ऐसा विश्वास है। और मैं सारे दर्शकों से भी निवेदन करूंगा कि वो इसको बहुत सीरियसली बहुत ध्यान से सुने कि कैसे हमारे ऑडिट किया जाता है, क्योंकि हमारे हर साल हमारा ऑडिट होता है, पेरेंट्स का करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारे घर का ऑडिट हम लोग कितना करते हैं, हम घर के लिए कितना सीरियस हैं, ये आपको हेल्थ जो आपकी होम की जो घर की जो हेल्थ है वो वेल्थ में कैसे कन्वर्ट होती है, वो हम आज मयंक सर के जो ऑडिटर्स हैं उनके थ्रू हम लोग ये जानेंगे। तो कपूर सर हमारे साथ हैं, कपूर सर का बहुत लंबा इतिहास रहा है और काफी 30 साल से भी ज्यादा एक्सपीरियंस इनका रहा है और हमेशा एक लर्निंग, एक एज अ लर्नर मैं देखता हूँ मयंक सर को, मैं बहुत सालों से मैं कपूर सर को जानता हूँ, वो एज अ लर्नर अपने आप को हमेशा पाते हैं क्योंकि मैंने उनके साथ कई वर्कशॉप भी की हैं और वो हमेशा जिस तरह से उनका बोलने का अंदाज है, काम करने की एनर्जी है, इस एज में भी वो अराउंड 67 इयर्स के कपूर साहब आज की डेट में हैं और उसके बाद भी पूरी एनर्जी है और नए कॉन्सेप्ट के साथ वो नए सोसाइटी के लिए आते हैं। तो कपूर सर आपका लाइव विद इन टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर जी। तो कपूर सर थोड़ा सा ब्रीफ आप हमें बताएं इसके बारे में, आपका प्रोमो वीडियो हमने देखा और लोगों को भी हमने दिखाया, काफी डिटेल आपने उसमें बताई है, तो इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ आप बताएं, मयंक सर ने बताया है तो इसके बारे में थोड़ा सा हमसे आपसे जानना चाहेंगे। देखिए इसमें तीन शब्द है, होम जी, हेल्थ, ऑडिट जी। पहला शब्द है हेल्थ जी, हेल्थ इज वेल्थ। अब रहा कि हेल्थ की परिभाषा क्या है जी, हेल्थ की परिभाषा WHO ने दिया है कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बी एंड नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ डिजीज। आपके शरीर में कोई रोग नहीं है इसका मतलब नहीं है कि आप स्वस्थ हैं, आपको सामाजिक रूप से, मेंटल इमोशनल रूप से और फिजिकल रूप से भी कार्य दक्ष और हर काम के लिए सक्षम होना चाहिए। अब रही दूसरी बात होम, तो जीवन का केंद्र बिंदु, ए सेल्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जीवन का केंद्र बिंदु है घर। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जीवन की चार विशेषताओं में सभी कुछ घर से ही शुरू होता है और घर में ही अगर शांति है तो आपका घर स्वर्ग है और घर में अशांति है तो यह नरक है। तो घर को सुखमय बनाने के लिए हमको इसको ऊर्जावान और लक्ष्मीवान बनाना पड़ेगा। तो ऊर्जा के लिए घर के सारे 10 डायरेक्शन और 5 तत्व अगर सही रहेंगे तब हम घर में आएंगे। तो वेदों ने कहा है गृहानेमी मनसा मोदमा, गृह में जब हम देखते हैं तो हमें ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा माने पावर मिलता है और घर में हम आते हैं तो हमको जाने की इच्छा करती है, रहने की इच्छा करती है। आज के दिन में घर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्यों कि आज के दिन में लॉकडाउन में हम ज्यादा घर में रह रहे हैं और घर में हम लोग लॉकडाउन में रह रहे हैं और रहने के लिए बाध्य हैं, तो घर का इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ गया। तो आइए हम देखें कि किस तरह होम में हेल्थ को बनाए और हेल्थ इज वेल्थ। और ऑडिट क्या है, ऑडिट बिगिंस व्हेन अकाउंटेंसी एंड्स। घर का जब काम हो गया, आपने घर को सजा लिया, खरीद लिया,
तब उसके बाद में उसका ऑडिट शुरू होगा। तो साल भर में आप अपना लेखा जोखा करते हैं तो घर का भी तो लेखा जोखा कभी करिए, तब तो शांति मिलेगी। यही यही बात जी। सो हमारे साथ त्रिशा कपूर जी भी जुड़ी हुई हैं। त्रिशा मैम नमस्कार। त्रिशा मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइव विद इन टॉक शो में। थैंक यू वेरी मच। त्रिशा मैम मयंक सर के साथ काफी टाइम से जुड़ी हुई हैं और आप जो हैं हेल्थ होम डिजाइनर भी हैं, इंटीरियर डिजाइनर भी हैं एंड हेल्थ होम ऑडिटर भी हैं। तो त्रिशा मैम आप भी काफी टाइम से मयंक सर के साथ आपने काम किया है, कपूर सर के साथ भी आपका पूरा एसोसिएशन और उनकी सपोर्ट रहती है, तो होम हेल्थ एडिट के बारे में कुछ थोड़ा सा ब्रीफ में आप बताएं, उसके बाद हम आगे डिस्कशन शुरू करते हैं। जी, होम हेल्थ ऑडिट आज के दुनिया में मॉडर्न एरा में बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है क्योंकि इतने ज्यादा सराउंडिंग्स हमारी पोल्यूटेड हो गई हैं, उनकी वजह से ये बहुत ज्यादा हो गया है और इतने ज्यादा पोल्यूटेंट्स हैं अभी सराउंडिंग्स में, इतने टॉक्सिक केमिकल्स हैं, उनकी वजह से ये बहुत जरूरी हो गया है अभी जी। सो मैम आप कितने टाइम से जुड़े हुए हैं अपना होम ऑडिट के लिए और बाकी इसके अलावा वास्तु में भी आपका एक्सपर्टीज है? जी 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 हाँ जी, मैं तकरीबन 5-6 सालों से इसमें हूँ। बहुत अच्छे से मैंने ये सब स्टडी किया है और मुझे मैंने खुद के एक्सपीरियंस से भी जाना है कि ये बायो एनर्जेटिक्स और ये एनर्जी वास्तु बहुत ज्यादा काम करता है और बिल्कुल एप्लीकेबल है जी। हम सब पे जी। चलिए थैंक यू वेरी मच मैम। मैं कपूर सर होम हेल्थ ऑडिट का हो रहा है और वास्तु रहा है और ये सब चीजों में डिस्कशन रहा, मैं मयंक सर को भी अपने स्क्रीन पे ले रहा हूँ। तो मयंक सर, वास्तु और अपना होम हेल्थ ऑडिट ये दोनों एक ही हैं या इसमें कुछ अलग थोड़ा डिफरेंस है, और डिफरेंस है तो क्या डिफरेंस है इसमें? क्योंकि वास्तु से भी लोग, वास्तु में भी लोग अपने घर को वास्तु करते हैं। जरूर, देखिए वास्तु शब्द को अगर आप देखेंगे ना तो वास्तु इज नॉट ओनली ह्यूमन But not only the environment but the human body also. ये वास्तु शिल्प शास्त्र एक सब्जेक्ट है, इसमें शरीर को आप अलग नहीं कर सकते घर से। तो घर और शरीर एक ही है, दोनों में प्राण है, दोनों में एनर्जीज है। तो वास्तु कंसल्टेंट्स और वास्तु प्रैक्टिशनर्स को घर के अंदर की हेल्थ रिलेटेड सब्जेक्ट पे ज्यादा काम करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और आर्किटेक्ट्स के साथ साथ वास्तु कंसल्टेंट का भी एक बहुत बड़ा रोल है सोसाइटी में। हजारों लाखों वास्तु कंसल्टेंट हैं, बट वो हेल्थ रिलेटेड कॉन्सेप्ट पे जा नहीं पाते क्योंकि शरीर के अंदर वो देखते नहीं है, वो बाहर देखते हैं। वो सिर्फ वेल्थ और वेलबींग देखते हैं आउटसाइड द बॉडी। इस तरह से आपका बोलते हैं आप लाइफ विद इन, दे नीड टू अंडरस्टैंड द विद इन पार्ट ऑल्सो, एंड दैट इज वॉट हेल्थ ऑडिट इज। हेल्थ इज इनसाइड द बॉडी। वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू गिव वेलनेस फ्रॉम द इनसाइड। आउटसाइड फिजिकल कंफर्ट तो हम एयर कंडीशन चला देते हैं, लाइटें चला देते हैं, सनलाइट ले लेते हैं, नेचुरल चीजें ले लेते हैं, बट अंदर की चक्रास की, अंदर की वेलबींग कौन देखेगा? और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आई एम श्योर कपूर साहब और त्रिशा इस पे आपको और इन्फॉर्मेशन देंगे, बट इट इज अ पार्ट ऑफ वास्तु इज हेल्थ जी सर। तो पूरा हेल्थ के साथ इसका कनेक्शन है क्योंकि हेल्थ और इसको वेल्थ के साथ भी जोड़ते हैं सर आप लोग, तो कैसे इसमें वेल्थ कैसे आपने कनेक्शन वेल्थ के साथ भी इसको जोड़ा है? सर मैं जवाब दूं? हाँ सर, कपूर सर। हाँ कपूर सर, सर ऐसा है, शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर जो है व्याधि का मंदिर है, व्याधि शरीर में रहती है, शरीर घर में रहता है, वस्तु वस्तु रेवा वास्तु, समस्त दुनिया की जो चीजें हैं वस्तु, वो जब घर में व्यवहार होती हैं तो वो वास्तु बन जाती है। जैसे ईंट है, लकड़ी है, वो अलग में वस्तु है,
लेकिन जब वो घर में लग जाती है तो वास्तु हो जाती। वैसे आदमी बाहर में एक वस्तु है, लेकिन जब घर में आ गया तो वो वास्तु हो गया। वैसे ही वास्तु पांच प्रकार का होता है, गृह वास्तु, भूमि वास्तु, यान वास्तु, शयन वास्तु और काया वास्तु। हमारे यहाँ पर काया वास्तु माने शरीर का वास्तु। वास्तु पांच रकम का स्किन है। पहला हमारा स्किन वास्तु है, हमारा ये पहला हड्डी मांस ये स्किन है। दूसरा ये कपड़ा, तीसरा ये हमारा घर चार दीवारी, और चौथा एटमॉस्फियर, पांचवा काया वास्तु। तो काया ये घर किसके लिए, फॉर होम द बिल्डिंग इज, फॉर द पर्सन हु इज रेसिडेंट। इफ ही इज इल, देयर इज नो पर्पस ऑफ द शेल्टर। सो बोथ आर इंटरलिंक्ड एट टू साइड्स ऑफ ए कॉइन। अगर घर स्वस्थ तो काया स्वस्थ। बिल्कुल मयंक सर के सामने मैं ज्यादा नहीं बोल सकता, इसीलिए मैं शांत रहता हूं। जी, आपके गुरु भी साथ में है तो डेफिनेटली गुरु से हमारा तो कॉन्फिडेंस, हमारा कॉन्फिडेंस तो बढ़ा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मोरल सपोर्ट आपका बहुत हाई है, मैं देख रहा हूँ आप दोनों बहुत एनर्जेटिक हैं और इस थेरेपी को लेकर जिस हिसाब से आपकी एक्साइटमेंट है और कृष्णा जी की भी एक्साइटमेंट है, वो लोग लगे हुए हैं। सर लक्ष्मण जी, मैं आपको बताऊं, मैं गया था जर्मनी, फ्रांस, इटली, जी हर जगह घूम के आया, लेकिन मेरे को होम हेल्थ ऑडिट कहीं सीखने नहीं मिला। और जहां मिला वहां इतना लैंग्वेज प्रॉब्लम था, तो मैंने आके मयंक सर को रिक्वेस्ट किया, सर ये जितने लोग हैं, सूजी लंडन, रेने निकेसियन, सारे लोग को आप जानते हैं, तो आप मेरे को सिखाइए, आप ही पढ़ाइए। तो मैं पुणा गया इनसे ये सीखने के लिए। तो ये इनका ब्रेन चाइल्ड है। सो ऑल क्रेडिट गोज टू मयंक सर। वर्ल्ड में पहली बार इन्होंने ये इनिशिएट किया है। इनके इनिशिएटिव को हैंड ऑन सबको देना चाहिए इंडिया में। बिल्कुल बिल्कुल जरूर, आपको मयंक सर बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे जो थेरेपिस्ट, कोई भी नई टेक्निक इनोवेशन होता है हमारे इंडिया से, बहुत सारी इनोवेशन है, आयुर्वेदा है, योगा है, बहुत सारी चीजें हैं, एक नई चीज को भी आपने इनोवेट किया। मेरा क्वेश्चन आपसे भी यही था मयंक सर की, ये जो टेक्निक है, ये बेसिकली ये टेक्निक हमारी इंडियन है या फॉरेन है, ये मैं थोड़ा सा आपसे जानने की वो करता। हालांकि कपूर सर ने उसका आंसर दिया कि ये आपने इसका इनोवेट किया है, तो क्या ये वर्ल्ड में या फॉरेन में भी ये कॉन्सेप्ट है, या अभी पहली बार अराउंड द वर्ल्ड ये पहली बार इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई है और आपने किया है इसको, तो हमारे थ्रू एक डॉक्यूमेंट होगा इस चीज का कि ये। हाँ जी, नहीं, ये जो हेल्थ रिलेटेड कॉन्सेप्ट है ये तो वर्ल्ड वाइड है, बट एनर्जीज और प्लेनेट इंफॉर्मेशन और वास्तु को मिला के जो हमने इस पे रिसर्च किया और एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया, ये वर्ल्ड में पहली बार है। वर्ल्ड में हेल्थ को एक अलग सब्जेक्ट माना जाता है, आर्किटेक्चर को अलग सब्जेक्ट माना जाता है। जैसे कपूर साहब ने कहा वस्तु रेवा वास्तु, हमारे यहाँ पे ये एक पूर्ण सब्जेक्ट, एक इंटीग्रेटेड है। जिस तरह से आयुर्वेदा में शरीर के हर अंग के बारे में अलग अलग पढ़ाई जरूर होती है, लेकिन उनका कंसिडरेशन टुगेदर होता है, एज अ पूर्ण होता है, वैसे वास्तु में हेल्थ का और आर्किटेक्चर में हेल्थ का कॉन्सेप्ट एक इंडियनाइज्ड कॉन्सेप्ट है। और इसको हमने इंटरनेशनल टेक्निक्स के थ्रू, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू कंबाइन करके वर्ल्ड में पहली बार लॉन्च किया है होम हेल्थ ऑडिट। सो दिस इज 100% इंडियन एंड दिस इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। एंड जिस तरह से हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी कहते हैं, ये एक भारत का एक अपने आप में एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि वर्ल्ड वाइड जाएगा। और जिस तरह से कपूर साहब और त्रिशा और आप लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं, आई एम श्योर पीपल विल स्टार्ट लुकिंग इनटू देयर इनसाइड बॉडी विच इज चक्रा, विच इज योर एनर्जी मेरिडियन एंड विच इज योर कोर प्राणा। जी मयंक सर आप यहाँ है, एक क्वेश्चन ममता रानी है हमारी, तो ये ममता रानी जी पूछ रही हैं कि ड्यूरिंग द लॉकडाउन मुझे कुछ शुगर हुआ है और मुझे कभी कभी घर बैठे हुए घबराहट भी होती है, आई फील लोनली एंड आई डोंट नो दिस इज डिप्रेशन और व्हाट, तो बट आई फील अफ्रेड, तो आप इसको कैसे देखते हैं सर? देखिए डिप्रेशन जो है वो मेंटल डिस्कम्फर्ट होता है, और मेंटल डिस्कम्फर्ट होता है मोस्टली आपके घर में कुछ इस तरह की वाइब्रेशन है जो आपकी कॉस्मिक एनर्जी को वीक कर रही है।
तो आपके घर की वाइब्रेशन हमें चेक करनी चाहिए। और जिस तरह से आप कह रही हैं आपको शुगर है, शुगर इज मोस्टली बेस्ड ऑन वरीज एंड एंजाइटी, सो यू आर मोर वरीड, आपको चिंताएं बहुत होती है और आप एंजाइटी ज्यादा रखती हैं, और कॉस्मिक ट्रबल होने के कारण ड्यूरिंग द लॉकडाउन लॉट ऑफ पीपल हैव कम टू अस, हमारे पास बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं घरों में जिनको डिप्रेशन हो रहा है और उनसे चिंताएं बढ़ रही हैं, दे आर वरीड बिकॉज दे आर हैविंग अ फियर साइकोसिस। सो आई सजेस्ट एवरीबॉडी कम आउट ऑफ दिस वरीनेस एंड फियरनेस एंड बिकम स्ट्रॉन्ग विद इन सो दैट यू कैन फाइट विद ऑल दीज प्रॉब्लम्स। ओके दैट्स वंडरफुल सर, आई होप इसमें जो है इनका आंसर मिला होगा ममता रानी जी आपको। और ठीक है सर, एक क्वेश्चन मैं कपूर सर से लेता हूं सर। कपूर सर बोलिए। कपूर सर एक क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकल भी मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन हमारे पास आया है। बोलिए बोलिए। इसमें हाउ टू प्रोटेक्ट अवर होम फॉर एविल्स इफेक्ट ऑफ सोलर इक्लिप्स ऑफ 21 जून 2020, तो क्या ये होम हेल्थ ऑडिट से रिलेटेड है या इसको कैसे आप देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारा जो घर है वो पांच प्रिंसिपल बातों पर निर्भर करता है। उसमें क्या है, टिल्ट ऑफ द अर्थ, एस्ट्रोनॉमी, पैटर्न ऑफ मानसून एंड फाइव एलिमेंट इंटरप्ले। तो जो एस्ट्रोनॉमिकल इफेक्ट है, जो 21 तारीख का सोलर इक्लिप्स गया है, वो एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना है। तो उस फिनोमिना में सन के ऊपर जब ग्रहण लगा है तो इट इज ए कॉस्मिक डिसऑर्डर व्हिच इज कॉल्ड डेथ ऑफ लाइट। तो ये डेथ ऑफ लाइट जब हुई है, इसका मतलब ईस्ट द पैसेज ऑफ सन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट नीड टू बी प्रोटेक्टेड नाउ टिल 40 डेज बिकॉज द इफेक्ट रिमेन्स 40 डेज मोर। सो वी हैव टू प्रोटेक्ट अवर नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट एंड साउथ ईस्ट बेसिकली to avoid the ill and evil effect of solar eclipse on human health. Okay? Because you have to protect it. Your east side, you burn diya, burn candle, east side should be protected. It should be kept open. That is it. Are you satisfied? इसमें एक एक क्वेश्चन हमारे पास है मैम, इसमें हम लेना चाहते हैं इसमें को। इसमें है कि why the cities there are problem in sleep disorder? जी 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 जी, देखिए सबसे पहले तो आजकल इतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, तो हम बाहर का बहुत सारा स्ट्रेस घर में लेकर आते हैं, तो दैट इज अ वेरी बिग इशू। और फिर हमारे स्लीपिंग पोस्चर्स, ओरिएंटेशन ठीक नहीं होता है, और हम जिस बेड पे सोते हैं वो भी कई बार सही नहीं होता है, जिस तरीके से वुडन बेड प्रेफरेबल है, और मेटल अवॉइड करना चाहिए मेटल बेड्स को, बट फिर भी आज के बेड में फिर भी मेटल कंपोनेंट रहता है, तो इस वजह से वो स्लीप साउंड स्लीप नहीं देता है, और उस वजह से हमें क्वालिटी ऑफ स्लीप नहीं मिलती। एक और रीजन ये है कि हम जब सोते हैं हेडबोर्ड के पीछे अक्सर स्विचबोर्ड्स रहते हैं और इलेक्ट्रिकल वायरिंग रहती है, तो वो बहुत ही बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का सोर्स होता है, और उस वजह से भी स्लीप डिसऑर्डर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। हम बेड के नीचे अक्सर, अभी ये ट्रेंड हो रहा है बॉक्स बेड का, तो बॉक्स बेड में क्या होता है, ज्यादातर क्लटर होता है, हम जो ज्यादा यूज नहीं करते चीजें, अनयूज चीजें पड़ी रहती हैं, तो वो रेडियो एक्टिव होती हैं और नेगेटिव एनर्जी का सोर्स होता है, और इन सब वजहों से स्लीप डिसऑर्डर्स बहुत ज्यादा बढ़ गया है आजकल में। और मैम एक क्वेश्चन और है इसी से, इसमें व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन बेडरूम एंड साउंड स्लीप? जी 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 जी, हाँ मैं उसी बारे में बता रही थी आपको कि किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जब हम सोते हैं, हमारा हेड डायरेक्शन किस तरफ है,
साउथ सबसे अच्छा माना गया है और नॉर्थ और वेस्ट को अवॉइड करना चाहिए जिस जब हम सोते हैं हेड डायरेक्शन हमारा, और हम जब सोते हैं तो हमें वुडन बेड चूज करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि एक अच्छा एम्बियंस हमारे आसपास हो जब हम सो रहे हो, जैसे कि हम सेलफोन ऑफ करना चाहिए हमें, और जब सोते हैं तो हमें बेडरूम के सर्किट्स जो सर्किट होता है एमसीबी से हम उसको पूरा ऑफ कर सकते हैं ताकि जितनी भी वायरिंग है और वो सब की इलेक्ट्रिसिटी उसका रेडिएशन खत्म हो जाए, ये एक तरीका होता है। और ज्यादा से ज्यादा हमें बैटरी पावर्ड क्लॉक्स यूज करनी चाहिए अगर हम अलार्म क्लॉक्स यूज कर रहे हैं, और हमें इलेक्ट्रिक क्लॉक्स अवॉइड करनी चाहिए घर के आसपास। जब हम सोएं तब हमारे सेल फोन्स 6 से 8 फीट की दूरी पर होने चाहिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा रेडिएशन देते हैं, और ये सभी चीजें मिलके हमारे क्वालिटी ऑफ स्लीप में अफेक्ट करती हैं। तो बेडरूम का एम्बियंस ठीक होना बहुत जरूरी है, अच्छी नींद के लिए। जी जी, जी. दे पाएंगे व्हाट आर द स्पेशलिटीज ऑफ दिस न्यू टर्मिनोलॉजी का? जी 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 जरूर। देखिए ये जो नई टर्मिनोलॉजी है होम हेल्थ ऑडिट, उसमें हम नेगेटिव एनर्जी, उसमें हम बेसिकली 5 एलिमेंट्स जो हैं हमारे अर्थ स्काई फायर वाटर, इन सभी को बैलेंस करते हैं, हार्मोनाइज करते हैं, और जो हमारी घर की नेगेटिव एनर्जी होती है क्लाइंट की उसको न्यूट्रलाइज करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या पॉसिबल रीजंस हैं, क्या क्या सोर्सेज हैं, पोल्यूटेंट्स हैं, हेल्थ हजार्ड्स हैं, क्या क्या। मैं एक स्क्रीन पे मैंने क्वेश्चन वो किया है, शिराज जी हैं आंसर जी, क्वेश्चन उनका है, हेलो त्रिशा, इज इट ओके टू कीप बेड फेसिंग ऑन एंट्रेंस ऑफ द बेडरूम, दैट इज इफ आवर लेग्स टुवर्ड्स द एंट्रेंस ऑफ द बेडरूम। अगर आप देख पा रही हैं स्क्रीन में मैंने क्वेश्चन पुट अप किया है, अगर आप उसको पढ़ पा रहे हैं। जी 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 जी, देखिए हम हमारा बेड का पोजीशन ऐसा होना चाहिए कि हम तो एंट्रेंस देख पा रहे हैं, बट एंट्रेंस के सामने से गुजरते हुए कोई भी पर्सन आए तो वो हमें ना देख पाए। हमारा बेड का ओरिएंटेशन कुछ इस तरीके से होना चाहिए। जी, इसका जवाब यही होगा। जी सिराज जी, आई होप आपको आपका आंसर मिला। मैम एक क्वेश्चन है, हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द बैड एलिमेंट्स ऑफ द एट होम, बैड एलिमेंट्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, कैसे हमें पता चलेगा कि ये बैड एलिमेंट्स है, गुड एलिमेंट्स है, उसको कैसे किसी को हेल्प मिलेगी उसमें? जी देखिए, हमें सबसे पहले मटेरियल्स देखने पड़ेंगे, व्हाट आर द राइट मटेरियल्स इनसाइड आवर स्पेस। जैसे कि जो आमतौर से जो हमारी स्टडी में जो मिले हैं मटेरियल्स कॉजिंग हेल्थ हजार्ड्स, दे आर एक्रेलिक, पॉलिथीन एंड नाइलॉन, क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है जी, और पीवीसी जो आजकल बहुत चला हुआ है विंडोज और डोर्स में, ये सब नेगेटिव एलिमेंट्स है, ये सब हेल्थ हजार्ड्स हैं, सोर्सेज ऑफ हेल्थ हजार्ड्स हैं। जैसे कि सिंथेटिक विनाइल जो कि बहुत कार्पेटिंग और वॉलपेपर में यूज हो रहा है आजकल, और ये जैसे प्लाईवुड है, पार्टिकल बोर्ड, लैमिनेट्स हैं, ये सब एक केमिकल से बनता है फॉर्मल डिहाइड्रेट जो कि एक्सट्रीमली हमारी बॉडी के लिए खराब होता है, और इट इज इनफैक्ट अ कॉज फॉर कैंसर आल्सो। सो जैसे वार्निशेस हैं, एडहेसिव्स हैं जो हमारे फर्नीचर में यूज होते हैं जी, इन सब चीजों को हमें अवॉइड करना चाहिए, और पेंट में जैसे जो लेड जिसमें होता है, लैटेक्स पेंट होता है, वो उस सब में बायोसाइड केमिकल होते हैं, तो वो केमिकल पोल्यूशन को इंक्रीज करता है। तो
तो हमें जब हम लेते हैं कोई भी प्रोडक्ट, तो हमें उसके कंटेंट्स अच्छी तरीके से पढ़ने चाहिए और ये देखना चाहिए कि उसमें इस तरीके से कोई टॉक्सिन या हजार्डस पार्टिकल तो नहीं है। तो अब हम दूसरी तरफ देखें अगर कि क्या अच्छे सही पॉजिटिव इको फ्रेंडली मटेरियल्स हैं, तो वो हैं जैसे कि नेचुरल वुड, जिनका वाटर कंटेंट 8% to 15% है, और ये क्लैडिंग और फर्नीचर के लिए बहुत अच्छे हैं, और लाइम बेस्ड प्लास्टर है, चूना, ये बहुत अच्छा है, जो कि अब उतना नहीं प्रचलित है, बट ये अच्छा है, इको फ्रेंडली है, और जितने भी ब्रीदेबल सर्फेसेस हैं, जैसे कि ब्रिक्स हैं बिल्डिंग मटेरियल में, वो अच्छे हैं, पर आजकल ब्रिक्स आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय आरसीसी, सो विच इज नॉट गुड, बिकॉज वो उतना पोरस नहीं होता है और इंसुलेटेड नहीं होता है। तो जैसे कि हमें घर में एंटी स्किड फ्लोरिंग यूज करनी चाहिए, जहां तक वो नेचुरल स्टोन रखना चाहिए, और ग्लॉसी शाइनी सर्फेसेस को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो उसमें यूरिया फॉर्मल डिहाइड्रेट का एक ही मात्रा ज्यादा होती है, और वो एक ऐसा ऐसा केमिकल, ऐसी गैस है जो कि इंडोर एयर क्वालिटी को खराब करता है, और वो तकरीबन 2 साल तक फर्नीचर एमिट करता रहता है ये टॉक्सिक गैस जी, तो जिसे हम इनहेल करते हैं, तो इन सब चीजों को हमें समझना पड़ेगा। ब्रास, सेरेमिक, क्रिस्टल, ये सब इको फ्रेंडली मटेरियल्स हैं, इनका ज्यादा प्रयोग करना चाहिए घर पर। तो यानी कि आप घर में जो भी चीजें हैं, जो भी सब, आपको सबकी अच्छी जानकारी होनी चाहिए और रखनी भी चाहिए, ताकि आपको ये पता हो कि कौन से गुड एलिमेंट्स हैं, कौन से बैड एलिमेंट्स हैं, सो दैट आप अकॉर्डिंगली अपने घर को वो कर सकें। तो इसके लिए तो आई थिंक जितनी चीजें आप बता रहे हैं या जो भी ये सब चीजें हैं, तो इसके लिए तो काफी डीप नॉलेज चाहिए, और उसके लिए किसी न किसी एक्सपर्ट को ही आगे आना, हेल्प करनी होगी। और एक और चीज है मैम, जो डिसीजेज होती हैं, जो कैन यू एक्सप्लेन अबाउट द डिसीजेज जनरेटेड फ्रॉम होम एंड देयर इम्पैक्ट, जितना भी इम्पैक्ट पड़ता है उनका, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी मैम? जी, अगर हम देखें तो इम्पैक्ट ऑफ दीज वेरियस पोल्यूटेंट्स इन मॉडर्न डे लिविंग, तो ये जो जियोमैग्नेटिक स्ट्रेस है, माइंड सर भी इसकी बात कर रहे थे, तो ये ब्रेन और नर्वस सिस्टम को डिसफंक्शन करता है, और हार्मोनल इम्बैलेंसेस, और आजकल जो इश्यूज हैं रिप्रोडक्शन को लेके, मिसकैरेजेस एंड ऑल, इनकी बहुत बड़ी वजह है ये। और जैसे कि EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, सेल फोन का, सेलुलर एंटीनाज और वाईफाई का, वो एक कॉज है ऑटिज्म, अल्जाइमर जैसी डिजीज का, और फेटल डिजीजेस लाइक कैंसर ऑल्सो। जो नॉइज एक्सपोजर है, अगर हम अगर किसी क्लाइंट का घर में नॉइज एक्सपोजर बहुत ज्यादा है ड्यू टू एनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और ट्रांसफॉर्मर और मोटर, तो उसकी वजह से लॉस ऑफ कंसंट्रेशन हो सकता है, और इंक्रीज ऑफ ब्लड प्रेशर, और बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ सकता है। इलेक्ट्रिकल नॉइज से, अगर इलेक्ट्रिकल नॉइज हम देखें, तो उससे बहुत ज्यादा नौजिया, हेडेक और फटीग हो सकता है, और जैसे डर्टी एयर और जो ट्रैफिक हॉटस्पॉट्स हैं, इंडस्ट्रियल गैसेस अगर बहुत ज्यादा हैं किसी के घर के पास, तो उसकी वजह से रेस्पिरेटरी इश्यूज लाइक एस्थमा, लो इम्यून सिस्टम, और वल्नरेबिलिटी टू मेनी इन्फेक्शंस, इन सब से हो सकता है। और इसी सब चीजों से लाइफस्टाइल डिजीजेस लाइक ओबेसिटी और हाई ब्लड प्रेशर, ये सब इन पोल्यूटेंट्स की वजह से होता है। तो जितनी बातें हैं मैम, जी जितनी चीजें आप बता रही हैं, उसमें तो बहुत जरूरी है कि आप अपने घर का ऑडिट जरूर करवाएं, और इन चीजों पे आपकी पूरी जानकारी होनी बहुत जरूरी है, एक्सपर्ट के साथ आपका पूरा वो है। अच्छा मैम, एक चीज और है कि व्हाट आर द टिप्स फॉर द हेल्दी होम इन एन एग्जिस्टिंग स्पेस, जो एग्जिस्टिंग स्पेस होता है, तो उसके लिए कुछ आप टिप्स प्लीज आप दें। देखिए, इसमें गाइडलाइंस ये होती हैं कि सबसे पहले आप अपना, सबसे पहले जरूरी है
एडिक्वेट क्रॉस वेंटिलेशन और सनलाइट होना। हेलो लक्ष्मण जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो, मैं सुन पा रहा हूँ मैम, कोई दिक्कत, आप बोलते रहिए हाँ, ओके जी। मैं अपने आप को ओके हाइड करता हूँ ताकि स्क्रीन में आपकी प्रेजेंस रहे और आपका पूरा जो है ऑडियंस आपको पूरा ओके प्रॉपर तरीके से वो कर सकें। जी 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 तो मैं बता रही थी कि क्रॉस वेंटिलेशन और सनलाइट होना बहुत जरूरी जी है। उसके लिए अपनी ओपन योर विंडोज, अपनी खिड़कियां ज्यादा टाइम तक खुला रखिए, और ताकि अच्छी क्रॉस वेंटिलेशन हो सके और जितनी भी टॉक्सिक गैसेस हैं वो निकल पाए, और जितना पॉसिबल हो नेचुरल फिनिशेस प्रेफर करिए, और अवॉइड करिए ग्लॉसी फिनिशेस एंड सर्फेसेस लाइक हाई ग्लॉस जी लैमिनेट्स और मेलामाइन फिनिश वुड में, और जितना हो इंसुलेटेड और ब्रीदेबल सर्फेसेस रखिए जो कि पोरस हो, जिनसे हवा पास हो सके। जैसे मैंने कहा कि एंटी स्किड फ्लोरिंग यूज करिए, और किचन और बाथरूम में एग्जॉस्ट फैंस और ऑपरेशनल विंडो होना बहुत जरूरी है, सो दैट जितनी भी फोल स्मेल है और नेगेटिव एनर्जी है वो सब निकल पाए। वॉल टू वॉल कारपेटिंग अवॉइड करिए अपने घरों में, और सिंथेटिक रेजिलिएंट फ्लोरिंग मटेरियल वो सब भी अवॉइड करना चाहिए, और अगर रख रहे हैं तो रेगुलर क्लीनिंग बहुत जरूरी है। तो स्लीपिंग, अपनी ओरिएंटेशन, आप किस तरफ सोते हैं वो देखिए। जैसा मैंने कहा पहले, साउथ हेड डायरेक्शन टुवर्ड साउथ इज गुड, एंड नॉर्थ डायरेक्शन इज इनऑस्पिशियस। कॉर्डलेस फोन्स अवॉइड करिए, और अपनी किचन और डाइनिंग स्पेस में किचन नॉर्थ और ईस्ट की तरफ फेस करके अगर आप खाते हैं तो अच्छा है। किचन, अगर आप खाना बनाते समय ईस्ट की तरफ आप बर्नर है अगर खाना बना रहे हैं तो अच्छा है। और घर में अगर आपको लग रहा है कि कोई नेगेटिव एनर्जी है या इम्बैलेंस है, एनर्जेटिक इम्बैलेंस है, तो आप एक बोल में रॉक सॉल्ट होता है वो अलग अलग घर के कॉर्नर्स में रखिए, और उससे बहुत अच्छा उसे क्लिंजिंग होती है घर की, तो जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो निकल जाती है। सो बिकॉज रॉक सॉल्ट इज नोन फॉर क्लिंजिंग, और ये बहुत अच्छा है। चांटिंग ऑफ मंत्रास और एनी होली वर्सेस, ये आप दिन में कुछ घंटों के लिए चलाइए, और योगा एंड मेडिटेशन ये बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे पूरे सिस्टम को क्लींस करता है। और अगर आपको लग रहा है एनर्जेटिक इम्बैलेंस है तो अग्निहोत्र वो बहुत जरूरी है, क्योंकि इट एनर्जाइजेज ऑल द 5 एलिमेंट्स इन योर हाउस एंड इट क्रिएट्स बैलेंस एंड हार्मनी। देखिए, ऐसा है, टर्माइट का मेन रीजन होता है सीलन, डैम्पनेस। डैम्पनेस मेन रीजन होता है, दीवार पर जी पानी, तो जी दीवार में, छत पर या फ्लोर में, कहीं भी पानी, या तो किचन पर होता है या टॉयलेट के पास में, बाथरूम के पास में होता है। वास्तव जी में क्या है कि हमारा नॉर्थ जी ईस्ट जो है वो पानी का घर है, और जी नॉर्थ ईस्ट में पानी तो सही है, लेकिन बिल्कुल सर, अगर हम वस्तु वास्तु योगाभ्यास और तीन गुण जी और तीन दोष को पकड़े, तो सत तम रज और तीन बात पित्त और कफ। तो मैं आपको बता, ममता रानी जी के प्रश्न का जवाब दे रहा हूं कि जी सबसे पहले अगर मान लीजिए घर में सीलन है तो दीमक जी होगी, जी और दीमक होगी तो यानी अगर वो नॉर्थ ईस्ट में रहती हैं तो उनको पित्त की बीमारी होगी, पेट की बीमारी जी होगी, और अगर वो साउथ वेस्ट में रहेंगी या दूसरे बच्चे तो उनको कफ की बीमारी होगी। जिस घर में जी टर्माइट होता है वहां पर ये दो बीमारी होती है। उनसे पूछिए, मैं आंसर देने के लिए तैयार हूं। जी
पूछिए ममता जी से, उनको क्या बीमारी है। जो सर ने बताया है, आई होप आप सुन रहे हैं, आप उसका जवाब हमें जरूर दें। और दीमक बार बार हो जाती है, ये भी लिख रहे हैं वो ममता जी। तो हम लोग का एक इंस्ट्रूमेंट है, और हम लोग का एक इंस्ट्रूमेंट है कैमरा, जिससे फोटो खींच के हमको मालूम पड़ता है अंदर में वाटर कंटेंट कितना है, और वहां लीकेज है, वो सीपेज के कारण में हमें दीमक आती है। और वो दीमक जो है दो बीमारी का घर है, वात पित्त और कफ, ये तीनों इम्बेलेंस हो जाता है। बताएं हमें, बात करें। तो ममता जी, आप अपना जो सर ने बताया है उसके उसका आप आंसर जरूर दें कि वो पूछ रहे हैं आपसे। दूसरा सर, एक शोविक डे है, वो पूछना चाह रहे हैं कि हाउ चक्रा रिलेटेड टू वास्तु। सर ऐसा है कि हमारा घर जो है पांचों इसमें इंद्रियां हैं, और हमारा सात शरीर होता है, हमारा शरीर सात रकम का होता है, एनर्जिक बॉडी, एथरिक बॉडी, वही सातों जो है चक्रा से निर्भर करती है। हमारा स्थूल शरीर है, आत्मा शरीर है, वही सब सातों शरीर जो है वो सातों चक्र पर निर्भर करते हैं। तो ये सात शरीर जो है, ये काया वास्तु का चैप्टर है, इसमें हम बताते हैं कि हमारा जो सात शरीर है वो सात चक्र पर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए, और सात ही प्लेनेट है, अगर मान लीजिए कि हम अगर मान लीजिए हमारा मूलाधार चक्र खराब है, मूलाधार चक्र अगर खराब है तो हमारा स्थूल शरीर, सात शरीर जो है, स्थूल शरीर, आकाश शरीर, सूक्ष्म शरीर, मानस शरीर, आत्मिक शरीर, वृक्ष शरीर और निर्वाण शरीर, और ये सातों शरीर सात चक्र को बताते हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार। अगर मान लीजिए हमारा मूलाधार खराब है, सैटर्न खराब है, तो पेशाब और स्टूल की प्रॉब्लम होगी। अगर हमारा मूलाधार सराज खराब है, यानी अर्थ एलिमेंट की कमी है, अगर उसको ठीक करना है तो अर्थ एलिमेंट हम बोलेंगे, भाई तुम्हारे घर में तुम पैदल बिना चप्पल के चलो और मिट्टी पर जरूर चलो, क्योंकि अर्थिंग से रिलेशन होना जरूरी है। अगर वो कहें कि घर में हमारे चलने की जगह नहीं है, तो भाई बाहर जाइए, बाहर जाके चलिए, लेकिन अर्थ से कनेक्टिविटी आपकी होना आवश्यक है। तो ये हमारा सोल्यूशन होता है कि आपका सोल्यूशन घर में है और बीमारी घर में है, घर वाली को है, घर वाले को है, तो उसका सोल्यूशन या तो घर में है या घर के इर्द गिर्द जो हमारा हमारा जो आसपास की जो घूमने की जगह है, जो हमारा फ्लैट का, अपार्टमेंट का जो घूमने की आवाज है, वहां पर आवास में हम अपने बाहर निकल के इसको, क्योंकि हमारे घर में रोशनी नहीं आ रही है, लेकिन हमको रोशनी लेने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, टू टेक लाइट एनर्जी। जी जी, और बताइए। एक क्वेश्चन और है सर, मिस्टर शिराज नवाब जी का है, विच इज द अप्रोप्रिएट प्लेस फॉर टू कीप द वाटर फाउंटेन इन हाउस, साथ में लिख रहे हैं, और फिश टैंक। सर ऐसा है, देखिए दो सिराज भाई को मेरा आदाब, सिराज भाई ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। वास्तव में वाटर एलिमेंट जो है वो नॉर्थ ईस्ट है, और नॉर्थ ईस्ट में वाटर होना चाहिए, लेकिन एक्वेरियम जो है वो प्योर वाटर नहीं है, उसमें फिश रहती है, तो इसका फिनेंशियल इंपैक्ट होने के लिए इसको साउथ ईस्ट में रखना चाहिए, क्योंकि जो फिश जो है, वाटर टैंक जो है ये क्लोज्ड होता है और वाटर फाउंटेन ओपन होता है, तो वाटर फाउंटेन शुड बी इन द नॉर्थ ईस्ट एंड एक्वेरियम विच इज ए क्लोज्ड वन with lighting etc facilities, which is a closed one where fish will be there, so it should be put in the east side of the southeast. So both are water, but relatability is different. That is the beauty of the home health audit. Yeah. और ममता रानी जी लिख रहे हैं, उनको थायराइड का प्रॉब्लम है। हाँ, तो ये थायराइड का जो प्रॉब्लम है ना, तो हमारा जो ईस्ट साइड है, सप्तम रज, मैंने बताया नॉर्थ ईस्ट जो है वो ईस्ट है, तो ये head to chest जो है वो नॉर्थ ईस्ट है, इसको हम लोग कहते हैं तीन तरह की एनर्जी, ये कॉस्मिक एनर्जी है, तो यानी उनके नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है, पूछिए उनके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, नॉर्थ ईस्ट में गंदगी है, नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम है, नॉर्थ ईस्ट सही नहीं है, वहां सनलाइट नहीं आती है, निश्चित है, उनसे पूछिए, कंफर्म करिए।
जी, और उनको डिप्रेशन और शुगर का भी इशू है, वो लिख रही हैं। तो शुगर इज लाइफस्टाइल डिजीज, वो घर में रहने से नहीं होगा, उनको बाहर जाना होगा, 2-4 किलोमीटर रोज पैदल चलना पड़ेगा। लेकिन जी उनकी जो प्रॉब्लम है वो बात पित्त और कफ मिली हुई है, इसका मतलब है त्रिदोष है। तो उनको रोज सवेरे मॉर्निंग वॉक करेंगी, घर में योगा करेंगी तो वो बेहतर रहेंगी। जी और पूछे सर, इसमें एक क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट आर द रिलेशन फिजिकल बॉडी एंड योर होम, फिजिकल बॉडी और होम में क्या इसका रिलेशन है? सर ऐसा है, हमने आपको बताया हमारा 7 शरीर है, फिजिकल बॉडी हमारा स्किन है, ये स्किन है। आज के दिन में आप देखिए हम लोग जो परेशान हो रहे हैं किस लिए, कोरोना के डर से परेशान हो रहे हैं। मैंने आपको बताया हमारे शरीर में जितनी चीज, कोई भी बीमारी, मान लीजिए प्लेग हुआ तो बीमारी एक पर्टिकुलर शरीर में है, शरीर के एक पोर्शन में है, लेकिन ये स्किन जो है हमारा टोटल स्किन जो है फिजिकल बॉडी का, जिसको कि काया कहते हैं, स्किन कहते हैं, वो फर्स्ट स्किन है। और हमारा हमारे जो मेडिकल साइंस है उसमें इसको कहते हैं इंटीगुमेंटेरी सिस्टम, माने सबसे ज्यादा शरीर में क्या है हमारा खोखलापन जो है, मांस मछली हड्डी मल मूत्र रक्त पानी किससे ढका हुआ है, स्किन से। तो सबसे बड़ा कवर है स्किन। ये कोरोना ने अटैक कहां किया, स्किन पर, छूने से बीमारी हो रही है, इसीलिए ये बीमारी इतनी मुश्किल से जा रही है। इन्वेंटरी जो स्कीम है ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये फिजिकल बॉडी का अंश है, अगर यहाँ प्रॉब्लम हो गया तो कोई घर में अपने पति को ही घुसने नहीं दे रहा, बोला तुम चले जाओ अभी, तुम क्वारंटाइन हो जाओ जी। तो इसीलिए फिजिकल बॉडी और घर से इसका डायरेक्ट लिंक्ड है जी। इसीलिए बोला जा रहा है कि आप क्वारंटाइन हो जाइए, मालिक को बोला जा रहा है कि आप घर छोड़ के दूसरी जगह जाके रहिए, क्योंकि जो इतना बड़ा सेल है वो सेल ही डिफेक्टिव हो गया जी। तो जी ममता रानी जी का आंसर आया है कि उनके घर में सनलाइट का इशू है। हाँ सनलाइट का इशू है। अब यहाँ पर वास्तु और होम हेल्थ ऑडिट में प्रॉब्लम, हम आपको सोल्यूशन दे रहे हैं। सनलाइट नहीं है तो सनलाइट तो हम खरीद नहीं सकते, अगर खिड़की निकाल सकती है तो निकालिए, नहीं तो त्रिषा जी से बात कीजिए, वो आपको ऐसे मटेरियल बताएंगी जो लाइट को एब्जॉर्ब करती है और एब्जॉर्ब करके अंदर में आपकी लाइट को फेंकेंगी, नंबर वन। नंबर टू, आजकल जहां पर सोलर लाइट नहीं आती है उसके लिए त्रिषा जी आपको बताएंगी बायो लाइट का सॉल्यूशन है, और बायो लाइट और बायो लैम्प और बायो स्ट्रक्चर जो कि ब्लू लाइट नहीं देके येलो लाइट देते हैं, इट इज एज गुड एज सनलाइट। हमने आपको बताया कि वास्तु से इसका 4 कदम आगे है, क्योंकि वास्तु इज डिपेंडिंग ऑन 5 एलिमेंट्स एंड 9 डायरेक्शंस ओनली, बट वी आर डिपेंडेंट ऑन डायरेक्शंस, डायरेक्शंस आर एब्सोल्यूट, बट वी आर क्रिएटिंग एनर्जेटिक एरिया इनसाइड योर एम्बियंस। तो आपको सोलर लाइट नहीं मिलती है तो घर में जाना आपके लिए इक्वल जरूरी है, वो भी मॉर्निंग में जबकि इंफ्रा रेड आती है, दोपहर को नहीं, 2 बजे के बाद अल्ट्रा वायलेट आती है, उस समय कृपया न जाए। सवेरे 6 बजे से 9 बजे के अंदर आप अपना वॉक कंप्लीट कर लें, और लाइट के लिए डिजाइन मेथड है, या मैंने आपको बायो लाइट बताया, आर्टिफिशियल लाइट जो ब्लू लाइट है उसको भी आप कर सकती हैं। घर में टोटल क्रिस्टल यूज कीजिए और उसके बाद में लाइट को रिफ्लेक्टिव लाइट लाइए, उसमें आपको ऐसे मटेरियल यूज करने पड़ेंगे, ऐसी क्लैडिंग यूज करनी पड़ेगी जो जहां से लाइट आती है जिस कोने में वहां से आपके मकान में फ्लैट में लाइट को रिफ्लेक्ट करे ज्यादा, तो लाइट इस तरह से आर्टिफिशियल सनलाइट बढ़ जाएगी, क्योंकि लाइट इज एनर्जी, सोलर पावर, इट इज इंपॉर्टेंट। राइट, अब ममता जी भी लिख रहे हैं कि उन्होंने अब वॉक करना और योगा करना शुरू किया। ममता जी बहुत बहुत अच्छा डिसीजन, बहुत ही अच्छा डिसीजन आपने लिया है, और ये योगा एंड वॉक आपके लिए बहुत जरूरी है। अब हमें लिख के भेजें, हम आपको ज्यादा जवाब देंगे, आप अपने घर का नक्शा भेजें, हम ज्यादा आपको ज्यादा सेटिस्फाई करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं जी। व्हाट इज द एनर्जेटिक इम्बैलेंस सर?
एनर्जी की इम्बैलेंस यही है कि अगर मान लीजिए घर में पानी है, छुपा हुआ है, दिखाई पड़ता नहीं है, तो वहां पर क्या हुआ है कि जो हमारी वाटर एनर्जी है वो ज्यादा हो गई है। वहां ईस्ट में होना क्या चाहिए, सन, तो सन की जगह पर वाटर हो गया। तो वाटर एंड लैक ऑफ एनर्जी, तो क्या हुआ, कीचड़ हो गया। कीचड़ होने से क्या हुआ, बीमारी हो गई। तो वहां पर एनर्जेटिक इम्बैलेंस हो गया। तो वहां पर क्या डालना पड़ेगा, एनर्जी, फायर। फायर डालेंगे तो पानी सूखेगा। तो यही एनर्जी बैलेंस, रादर इम्बैलेंस रेक्टिफिकेशन का नियम है जी। और बताएं। तो दोस्तों आप सभी जानकारी सभी मिल रही हैं, और हमने जो है डॉक्टर साहब का नंबर भी यहाँ पर मैं शेयर कर रहा हूँ, यदि किसी को कॉन्टेक्ट करना है और कुछ भी जानकारी चाहिए डॉक्टर साहब से, क्योंकि डॉक्टर साहब जो है इतना होम हेल्थ ऑडिटर के अलावा वास्तु मटन भी हैं और वैदिक एस्ट्रोलॉजर भी हैं और बहुत सारी और थेरेपीज में, नाम नेमिंग में है, बहुत सारी चीजों टेक्निक्स में इनकी एक्सपर्टीज है डॉक्टर सुरेंद्र कपूर जी की भी, तो वो आपकी मदद कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है डॉक्टर साहब, जो आपने इम्बेलेंस का सारा बताया और रीजन, व्हाट इज द रीजन फॉर द स्ट्रेस के लिए, जो घर में जो स्ट्रेस होता है वो कैसे कैसे होता है और उसमें होम का, घर का क्या रोल होता है स्ट्रेस में? देखिए ऐसा है, हम लोग कहते हैं कि घर में आते हैं तो हमें रश मिलता है, ऊर्जा मिलती है, तो घर का क्लीनलीनेस वेरी इंपॉर्टेंट जी, क्लीनलीनेस ऑफ द स्पेस, क्लीनलीनेस ऑफ द बॉडी एंड क्लैरिटी इन द माइंड जी, ये तीनों चीज होने से आपको स्ट्रेस नहीं होगा। स्ट्रेस का कारण क्या, मैं घर में आया, मैंने देखा मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, उसका मार्क्स कम आया, तो स्ट्रेस होगा। मैं घर में आया, बीबी ने कहा कि गैस खत्म हो गया और गैस लीक हो रही है, तो स्ट्रेस हो गया। मैं घर में आया और मेरे नौकर ने कहा कि आज वो गया और उसकी टांग टूट गई, तो ये ऑल आर रीजंस ऑफ स्ट्रेस। दिस इज पॉसिबल, दिस इज अनअवॉइडेबल, तो हाउ दीज आर रेस्ट्रिक्टेड इज इम्पॉर्टेंट। तो अगर हम लोग घर में साफ सफाई करें, अपने दिमाग को स्वच्छ रखें, जितनी कंटेनमेंट है उसमें हम रहें, हमारा लैग मोटिवेट करें अपने आप को, हम मेहनत करने के लिए मोटिवेट करें हैं, और खूब काम करें, जितना है उसमें खुश रहें, आगे बढ़ने की इच्छा करें, तो हम अपने आप को सुख में रह सकते हैं। और अपने नीचे वालों को देखें, ऊपर वालों को न देखें, और जितना है उसमें संतुष्ट रहें, अपना काम ऑनेस्टी सिंसियरली करें, तो हम आगे बढ़ेंगे। एफर्ट्स नेवर फेल, तो हमको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी और हमको लोग अप्रिशिएट करेंगे। हम अपना काम दिल से, मन से करें। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस टू अस। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। और मैं माफी चाहूंगा बीच में जो आपको असुविधा हुई है, बीच में कनेक्टिविटी का थोड़ा सा इशू रहा, नेटवर्क का, समटाइम जो टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा कभी बार हो जाता है, उसके लिए मैं हम माफी चाहेंगे और अगली बार आगे से ध्यान रखेंगे कि आपको इस तरह के कुछ इश्यूज नहीं हो। और कपूर सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, एंड मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, ऋषि मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को बहुत ही बेहतरीन जानकारी देने के लिए। आई एम श्योर कि जो हमारी ये वीडियो बनेगी और यूट्यूब में भी जो हम लोग इसका एडिट वर्जन डालेंगे, उसमें आपकी बहुत सटीक जानकारी हम लोग उसमें शेयर करेंगे। और इस वीडियो को मैं सभी लोगों दर्शकों से निवेदन करूंगा कि आप प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, वो अपना स्वीट होम को हेल्दी, हैप्पी होम, पीसफुल होम बना पाए। उसके लिए जो जानकारियां इसमें दी गई है, बहुत कम लोग इतनी डिटेल में जानकारियां शेयर करते हैं। हमारे अगर क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने आज लिए हैं, कपूर सर ने, त्रिशा मैम ने, मयंक बजातिया सर ने पूरे क्वेश्चनों के आंसर्स दिए हैं और टिप्स दिए हैं कि कैसे हम अपने होम को स्वीट होम बना सकते हैं। तो आई एम श्योर आज की जानकारी आपके होंगी, आप हमारे शो में जुड़े हैं उसके लिए धन्यवाद। आप हमारे उसमें कमेंट करिए, लाइक करिए, हमें बताएं कि आपको शो कैसा लगा। अगले बार एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ जरूर आ जाएंगे, तब तक के लिए मैं, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार सर, आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार तशा मैम, नमस्कार कपूर सर।